नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाप। कोलकाता में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 3 T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। पिछले दोनों मैचों में मिली जीत के बाद आज भी रोहित एंड कंपनी को जीत का हकदार माना जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि आज के मैच में वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो टूट सकते हैं और एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। तो आज के मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अगर 87 रन बना लेते हैं तो वह T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे और विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे। विराट कोहली ने अब तक 3,227 रन T20 इंटरनेशनल में बना चुके हैं। पहले पायदान पे न्यूजीलैंड ओपनर मार्टिन गप्टिल हैं जिन्होंने 3,248 रन अपने नाम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा अगर आज के मैच में 3 छक्के लगा देते हैं तो T20 इंटरनेशनल में 150 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे और भारतीय टीम के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित अब तक 147 छक्के लगा चुके हैं। T20 में सबसे पहले 150 छक्के लगाने का कीर्तिमान मार्टिन गप्टिल ने अपने नाम किया था। अभी तक उनके बल्ले से 161 छक्के देखने को मिले हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए युजवेंद्र चहल न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। अगर चहल कीवी टीम के खिलाफ 4 विकेट झटक लेते हैं तो T20 इंटरनेशनल में चहल भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। वहीं अगर इस सीरीज में उनके खाते में 8 विकेट आए तो वह T20 क्रिकेट घरेलू और इंटरनेशनल में कुल 250 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। तो ये थे कुछ रिकॉर्ड जो आज के मैच में बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रोहित शर्मा भी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, युजवेंद्र चहल भी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और एक क्रिकेट जगत में एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। तो बने रहें और देखते रहें क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट मेरे साथ। नमस्कार।